तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट है उसको कैसे हमें गूगल शीट में देखना है और गूगल शीट में हमें कैसे अच्छी तरह से पता चलेगा कि किस स्ट्राइक प्राइस में क्या ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है, जो हाई स्टॉक है उसको हमें कैसे ट्रैक करना है, जो हाई वोल्टेज वाले स्टॉक है उसको कैसे देखना है। ये सारे बात आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, हमें कंपैरेटिवली देखना चाहिए क्या सिचुएशन है। मैं किसी सीट में किसी फ्यूचर का डाटा को देखना चाहता हूँ, तो गूगल शीट में हमें मुझे कैसे पता चलेगा कि गूगल शीट में आपको फ्यूचर के क्या क्या देखना चाहते हैं? तो इसमें हमने जिस एक्सपायरी चलता होगा, यानी आपको मान लो नवम्बर एक्सपायरी चल रहा है, वो 30 का है, तो इसमें मैंने जो डिजाइनिंग किया गया है इसमें हमने 30 लिखा, तो शॉर्ट बिल्टअप जो कैंडिडेट है वो आपको आ जाएगा। मुझे लॉन्ग बिल्डअप कैंडिडेट मैंने क्लिक किया, तो लॉन्ग बिल्डअप कैंडिडेट इसमें ऑटोमेटिकल आपको क्या है ना, रिफ्रेश हो जाएगा। और इसमें लॉन्ग बिल्डअप कैंडिडेट जो है, यानी आज के लिए जो जिस स्टॉक में आपको लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है उसमें आपको डिटेल्स आ जाएगा, यानी फ्यूचर का डाटा जो मैं बोल रहा हूँ। नंबर टू है कि किसी स्टॉक यानी किसी सेक्टर वाइज मुझे देखना है, तो सेक्टर वाइज को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसमें सेक्टर वाइज जितने सारे सेक्टर है इस सेक्टर को मैंने क्लिक करूंगा तो वो सेक्टर में आपको आ जाएगा कि पॉजिटिव कौन सा स्टॉक है, नेगेटिव कौन सा स्टॉक है पर्टिकुलर सेक्टर में। इसको देखने से पहले मुझे सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर में आज पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आज देखिए सारे के सारे सेक्टर आज पॉजिटिव था, रियलिटी आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। तो ये सेक्टर वाइज आप कंफर्मेशन होने के बाद आपको कंपैरेटिवली जाना है और देखना है क्या क्या हो रहा है। तो ये डाटा देखने के बाद हमें क्या करना चाहिए ना, ऑप्शन चेन का डाटा देखना चाहिए। ऑप्शन चेन का डाटा जो है इसमें आपको चार्ट वन में मैंने जो डिजाइनिंग किया है, जो हाई वेटेज स्टॉक है, जो 60 से 70% वेटेज कवर करने वाले स्टॉक है, उसमें आपको जैसे निफ्टी आपको या बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उसको मैंने लगाया है, रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाजाज फाइनेंस, बाजाज फिनसर्व, इंफोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल, एलटी, आईटीसी एंड ये जो आईटीसी एंड एशियन पेंट और एससीएल, मारुति, ये सारे के सारे आपका क्या है ना डाटा कंप्लीटली अपडेट हो गया है। यानी आज के लिए किस स्टॉक में बुल भारी है या बियर भारी है ये चार्ट वन में आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें आज दिखाई दे रहा था निफ्टी में भी पॉजिटिव था, एसबीआई कंप्लीटली पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, भारतीय एयरटेल पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, और आपको रिलायंस में काफी नेगेटिव साइड में आपको डाटा फॉर्मेशन हो रहा था, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव था, इन्फोसिस एंड भारतीय एयरटेल पॉजिटिव था। ये जो पॉजिटिव था ये एक चार्ट पैटर्न में एक ही कैलकुलेशन मिल रहा है, बुल किसमें भारी है, बियर किसमें भारी है। उसके साथ हम चार्ट टू में जाएंगे। चार्ट टू में क्या है, हमने एक फॉर्मूला इसमें डेवलपमेंट किया है और इसमें लगाया है, यानी जीरो के ऊपर जो भी कोई कॉलम बिल्टअप होता है उसको हम बुलिश मानेंगे, जीरो के नीचे में कॉलम फॉर्मेशन होता है उसको हमें नेगेटिव मानेंगे। उसमें जो डेवलपमेंट किया गया है फॉर्मूला, ये वोन डेवलपमेंट है, तो वो फॉर्मूला हमने एडजस्टमेंट कर उसमें बिल्डअप किया है। इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश लॉन्ग, राइटिंग्स एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग्स। इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश लॉन्ग, राइटिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो भी कितना हो रहा है एक फॉर्मूला हमने प्लस माइनस या जो भी कुछ है हमारा फॉर्मूला है उसको हमने लगाया है, जिस स्टॉक में ये बिल्टअप होता है जीरो के ऊपर, ये चारों के चारों आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव जाएगा, और जीरो के नीचे में जो आ रहा है वो नेगेटिव साइड में जाएगा। ये फॉर्मूला में डेवलपमेंट किया गया है, एडजस्टमेंट फॉर्मूला डेवलपमेंट, यानी आपको एक फॉर्मूला हमने जो डेवलपमेंट किया है, जो इसको इसके पीछे में इंटीग्रेट किया है, इसको हमने अपने के लिए, यानी आपको आसान होगा कैसे देखने के लिए, वही चीज है। कुछ कुछ लोग बताएंगे कि ये तो राइटिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि इतना ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सोच सही है, लेकिन वो जो आपका जो कंसेप्ट है फॉर्मूला का, उस कंसेप्ट फॉर्मूला को लेकर हमने एक फॉर्मूला उसमें डेवलपमेंट किया है। तो वो फॉर्मूला के साथ आप देखिए भारतीय एयरटेल आज देखेंगे तो 100% आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, आप एचयूएल देखिए आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, आप देखिए निफ्टी पॉजिटिव दिखाई देगा, बैंक निफ्टी कंप्लीटली 50-50 आपको चांसेस है, फ्रेश लॉन्ग एंड आपको राइटिंग का दिखाई दे रहा था, पुट राइटिंग दिखाई दे रहा था। तो आप देखेंगे जो आप देखिए इसमें एसबीआई कंप्लीटली पॉजिटिव था, आईसीआईसीआई बैंक
पॉजिटिव था, और जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है नेगेटिव, यानी किस स्टॉक में क्या क्या कंडीशन में कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन इस चार्ट में देखने के लिए मिलता है। और जो फॉर्मूला हमने डेवलपमेंट किया है, अपने फॉर्मूला डेवलपमेंट किया है, उसमें कुछ फॉर्मूला डाला है, और उसका जो जनरेशन किया जनरेट किया है फॉर्मूला, ये अपने तरीके से चलता है, तो आपको आसान होगा ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करने के लिए। नंबर थ्री, हमने और एक उसको सिंप्लीफाई किया है, यानी आपको फर्स्ट डायग्नोसिस, सेकंड डायग्नोसिस और थर्ड जो पॉइंट पे आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें क्या होगा ना, 50 के ऊपर आपको किसी स्टॉक में आपको प्लस माइनस, हमने पॉजिटिव या नेगेटिव में ये चार्ट डेवलपमेंट किया है, वही 17 स्टॉक, जो स्टॉक में 50 के ऊपर ये कंटिन्यू होगा ये कलम, तो वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आएगा, और इसमें पॉजिटिव डाटा ही फॉर्मेशन होगा, उसमें नेगेटिव नहीं दिखाई देगा। रिलायंस देखिए 50 के नीचे आप इसमें ऑप्शन में लेंगे तो आपका नुकसान होगा, 50 के ऊपर जो मेंटेन हो रहा है ये सारे के सारे पॉजिटिव है, ऑप्शन इसमें ट्राई कर सकते हैं, वो नीचे में आता है तो ऊपर बाउंस आने का चांस ज्यादा रहता है, ये वाला हमें कैलकुलेशन इसमें कंफर्मेशन मिल जाता है। आइए ऑप्शन चेन में क्या है, ये तो है 17 स्टॉक के लिए हमने लगाया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आपका ये जो चार्ट है, इस चार्ट में मैंने क्या किया, नहीं चार्ट में जैसे हमने 60-70 स्टॉक इसमें लगा गया है, जिसका ऑप्शन चेन डेरिवेटिव डाटा मैंने अभी क्या है ना, अभी निफ्टी लिया है, तो निफ्टी के साथ मैंने बैंक निफ्टी लिखना चाहता हूँ, तो बैंक निफ्टी का मैं डाटा इसमें क्लिक कर देता हूँ, तो बैंक निफ्टी का डाटा अपडेट हो जाएगा, तो बैंक निफ्टी का डाटा जब अपडेट हो जाएगा उसमें आपको डाटा आ गया, तो ये डाटा में आपको कॉल साइड एंड पुट साइड में क्या डाटा फॉर्मेशन हो रहा है, और इस फ्रेम में आपको परसेंटेज कितना जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है कितना हो रहा है, और आपका वीकली एंड इंट्राडे बेसिस का व्यू क्या होना चाहिए, और ये डाटा के साथ आप इमीडिएटली ट्रैक कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है डाटा में, तो ये डाटा आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, ये डाटा से हमको आपको पता चलेगा कि जो आर द मनी प्राइस है, इन द मनी प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस में, जो करंट स्ट्राइक प्राइस में है, इसमें कहां पर क्या हो रहा है, जैसे यहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, पुट राइटिंग हो रहा है, इसमें अंदाजा लगता है कि सिचुएशन क्या है मार्केट में। उसके बाद आप देखें तो जो कॉल एंड पुट जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी एवरी स्ट्राइक प्राइस में जो बिल्टअप हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, उसमें कॉल कितने ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का है और पुट साइड का कितना ओपन इंटरेस्ट है, ये चार्ट में आपको कंफर्मेशन मिलता है, और इसके साथ चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे उसमें हमने लगाया है चेंज कितना हो रहा है, यानी हर स्ट्राइक प्राइस में आपको पुट साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, कॉल साइड में कितना एडिशन हो रहा है, कॉल में माइनस हो रहा है ओपन इंटरेस्ट या एडिशन हो रहा है, ये सारे के सारे डाटा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इमिडिएटली आपको पता चल जाएगा कि आपको जो पोजिशन बिल्डअप करना है वो कैसे आप करेंगे और कैसे पोजिशन आप ले सकते हैं। उसके साथ आप देखिए जो मास्टर चार्ट है, इसमें हमने एक फॉर्मूला डेवलपमेंट किया है, फ्रेश लॉन्ग इन कॉर FLC, पुट राइटिंग PW, इसका मतलब है आज कंप्लीटली जो चार कंडीशन होता है, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, आपको राइटिंग, पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड जो कॉल साइड लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड पुट साइड लॉन्ग अनवाइंडिंग, इस चारों कंडीशन को हमने लेकर एक फॉर्मूला डेवलपमेंट किया है, कैलकुलेशन किया है, ये चार्ट में आपको जो करंट सिचुएशन का जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी आपको जो 10 जो आर द मनी प्राइस में करंट स्ट्राइक प्राइस का जो पीछे में आप देख रहे हैं 10 एंड आगे में 10 जो आप देख रहे हैं, जो नियरेस्ट 10 स्ट्राइक प्राइस जो है उसका जो हमने डाटा निकाला है, ये डाटा को हमने इसमें डाल दिया है, तो ये जो डाटा कैलकुलेशन किया है ना, 22.7% फ्रेश लॉन्ग इन कॉल एंड 77.3% पुट राइटिंग्स, यानी आज कंप्लीटली पुट राइटिंग एंड फ्रेश लॉन्ग, यहाँ से कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि या कॉल राइटिंग या फ्रेश लॉन्ग इन पुट या कुछ भी नहीं, मार्केट हेवी स्ट्रॉन्ग था इस डाटा से हमें पता चल रहा है, तो कंफर्मेशन मिल रहा है ऐसे। उसके साथ आपको वीकली चार्ट देखेंगे तो मैंने जो कंडीशन बताया कि इसमें आपको मास्टर चार्ट वीकली जो डाटा फॉर्मेशन होता है उसमें आपको फ्रेश लॉन्ग कितना है, शॉर्ट कवरिंग कितना है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कितना है, पुट राइटिंग कितना है, तो ये ओवरऑल डाटा फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें हमें पता चलता है नहीं अभी सिचुएशन मार्केट में क्या है, और गूगल सीट आपको बता देता है नहीं, इस स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ आपको कैसे मार्केट में पोजीशन लेना है या नहीं लेना है, क्या व्यू बनाना है या नहीं है, ये सारे के सारे डाटा के साथ आपका कैलकुलेशन आ जाता है, इसको भी देखना चाहिए। प्रीमियम कैलकुलेशन जो होता है आपको देखना चाहिए, कॉल साइड एंड पुट साइड का प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, ये भी आपको है,
और ये डाटा के साथ हमें जो बीटा कैलकुलेशन करते हैं या टॉप बॉटम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज प्राइस कैलकुलेशन करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को लेकर, तो वो भी आपको कैलकुलेशन मिल जाता है। आप किसी भी स्टॉक को आपको ले सकते हैं, यानी मैंने अंबुजा में क्लिक किया, अंबुजा को क्लिक करने के बाद इसका आ जाएगा क्या ना, आपको कंप्लीटली एक ही बीटा कैलकुलेशन आ जाएगा, जो हमें 7 डेज का बीटा देखना चाहिए या 10 डेज का बीटा देखना चाहिए, ये वाला आप अपने तरीके से मैनुअली फिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एवरेज प्राइस टॉप बॉटम आ गया, मैक्सिमम प्राइस आ गया और मिनिमम प्राइस भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना आता है, तो आपको इजीली इसमें डिटेल्स डाटा आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं इसमें आपको किसी भी स्टॉक का आप लगाइए, तो आप देखिए मैं इसमें आपको लगा रहा हूँ कि रिलायंस है, मैं एच डी एफ सी बैंक मैंने लगा दिया। देखिए एच डी एफ सी बैंक का 1 साल का मैं डाटा निकालना चाहता हूँ और उसका 30 डेज 60 डेज 90 डेज का मैंने एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन टॉप बॉटम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज प्राइस इसमें कैलकुलेशन हो जाता है। तो आप 30 डेज का टॉप बॉटम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज प्राइस, इसका मतलब है एवरेज प्राइस निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, उसमें प्लस माइनस कर दो, तो आपको टॉप एंड बॉटम मिल जाएगा। मैक्सिमम प्राइस क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंटू कर दो, आपको क्या है ना मिनिमम ना मैक्सिमम प्राइस आपको मिल जाएगा। तो इजीली आप वो ट्रैक कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं सीट के माध्यम से, तो इसमें इजी होगा आपको कैलकुलेशन करने का। तो इस सीट में क्या रहा, ये सीट में गूगल सीट में आपको देखने के लिए मिला कि फ्यूचर डाटा, यानी फ्यूचर किसी भी फ्यूचर डाटा को जो लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट है आप लगा सकते हैं, तो ये डाटा आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉम्परेटिवली डाटा एनालिसिस कर सकते हैं और इसके साथ आपको सेक्टर वाइज भी डाटा मिल जाएगा किस सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, और उसके साथ चार्ट 1 में आप देख सकते हैं क्या क्या किस स्टॉक में क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है, बुल कितना परसेंटेज, बियर कितना परसेंटेज है, और उसके साथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि 0 के ऊपर कंटिन्यू हो रहा है तो क्या हो सकता है, 0 के नीचे में कंटिन्यू हो रहा है तो क्या हो सकता है। तो इसमें आपको क्या है ना, कॉम्प्लीटली जो डेरिवेटिव ऑप्शन चेन डेरिवेटिव का डाटा फॉर्मेशन होता है उसमें कॉम्प्लीटली एक व्यू मिल जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 3, आपको स्ट्रेंथ ऑफ द जो डेरिवेटिव ऑप्शन चेन डेरिवेटिव का स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि स्टॉक में क्या स्ट्रेंथनेस है, उसमें आपको पोजीशन कैसे बिल्डअप आपको करना है। ऑप्शन चेन में कंप्लीटली आप देख सकते हैं, पीसीआर भी देख सकते हैं, वीकली मंथली इंट्राडे पीसीआर, ये सारे के सारे डाटा आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके साथ आपको ये जो विजुअलाइजेशन क्लियर हो रहा है कि हर स्ट्राइक प्राइस में कॉल एंड पुट साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। इसमें चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट आप कितना एडिशन करेंगे कितना माइनस करेंगे, ये वाला आपको भी पता चलता है। तो मास्टर चार्ट में कंप्लीटली चार्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये चार्ट पैटर्न का सिस्टम जो है, ये जो गूगल शीट है, बताने का जो पॉइंट है कि गूगल शीट में जो डिटेल्स डाटा इसमें हमें फॉर्मेशन किया है अच्छा डाटा है, और उस डाटा के साथ आप देखेंगे तो आपको कंफर्मेशन बहुत अच्छा मिलेगा, यानी आप अपने तरीके से गूगल शीट को कैलकुलेशन कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप इस गूगल शीट को देखकर पोजीशन बिल्डअप करें या पोजीशन लें, ऐसा नहीं है। तो इसको स्टडी और रिसर्च प्रपोजल के लिए कोई गूगल शीट यूज करेगा तो उसको क्या होगा ना, एक अच्छा स्टडी करने के लिए जरिया मिल जाएगा, यानी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अच्छी तरह से स्टडी कर पाएगा। और इसके साथ आपको क्या होगा ना, अपना जो जनरल नॉलेज है अबाउट स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या गूगल सीट, यानी आप सारे डाटा को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन इसको देखकर आप वो सोच रहे हैं कि हमें पोजीशन बिल्डअप करना है या हमें लेना है, ये गलत है। तो ये जो सीट है सिर्फ एजुकेशन एंड रिसर्च प्रपोजल के लिए, आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने मनी को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन चेन डेरिवेटिव डाटा को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था डिटेल्स एनालिसिस, ये जो न्यू सीट कुछ डेवलपमेंट किया गया है उसको आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आप समझ में आ जाएगा, आप उसमें उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये था डिटेल्स एनालिसिस गूगल शीट के बारे में। तो कुछ जरूरत है, यानी आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और एक्सपेक्टेशन है गूगल शीट को डेवलपमेंट करने के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं, और भी उसको डेवलपमेंट करेंगे, आइडिया मिलेगा तो डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन लास्टली डिस्क्लाइमर मैं यूज करूंगा, ये गूगल सीट आपको ओनली रिसर्च एंड स्टडी प्रपोजल के लिए है,
किसी भी तरह का आप इस स्टडी और रिसर्च मटेरियल को आप इसको काम के लिए मत यूज कीजिए। यानी आप इस ये जो सिस्टम है इसको देखकर कभी भी स्टेप मत लीजिए। रिसर्च एंड स्टडी प्रपोजल के लिए इसको यूज कीजिए, गूगल शीट को। इस गूगल शीट आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ज्यादा से ज्यादा आपको कैसे एनालिसिस करेंगे इसके बारे में बताता है। थैंक यू सो मच।